वेलकम टू स्कूल एंड एकेडमिक सब्सक्राइबर्स, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। अभिनंदन दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा बैंक फाइनेंशियल चैनल, और आज हम इसमें डिस्कशन करेंगे डिजिटल गोल्ड। डिजिटल गोल्ड अपने फ़िलहाल के समय में सुना होगा, जैसे अभी दिवाली के पीरियड में बहुत सारी साइट्स जैसे अमेज़ॉन, पेटीएम और गूगल पे, इन साइट्स पे आपने डिजिटल गोल्ड्स के बारे में सुना होगा। तो ये इस दिवाली का एक अच्छा ऑफर के तौर पे रहा है, तो आज हम इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं कि डिजिटल गोल्ड है क्या। बेसिकली आपने फिजिकल गोल्ड जो कि आप दिवाली पे ख़रीदते रहे होंगे, गोल्ड ETF सुना होगा, लोग गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट द्वारा सोवरेनिटी गोल्ड बॉन्ड इशू किए गए उसके ऊपर सुना होगा, तो ये उसी की श्रृंखला में एक तरीके से डिजिटल गोल्ड है। डिजिटल गोल्ड मतलब जैसे कि नाम से ही लग रहा है कि आप गोल्ड को डिजिटल फॉर्म में खरीद सकते हैं। हाँ दोस्तों, तो ये बेसिकली इंडिया में इसके ऊपर तीन कंपनियों ने मिलकर इसको स्टार्ट किया है। MMTC जो कि स्टेट रन कंपनी है, गवर्नमेंट की कंपनी है MMTC, और पैम स्विस कंपनी है, पैम MKS पैम प्योर गोल्ड की सप्लाई वर्ल्ड वाइड करती है ये कंपनी, स्विट्जरलैंड की कंपनी। और तीसरी है डिजिटल गोल्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये सेफ गोल्ड ब्रांड के नाम से डिजिटल गोल्ड को। और जैसा कि पेटीएम, अमेज़ॉन पे और गूगल पे जो है, इन लोगों ने इस फेस्टिवल ऑफर में इसको डिजिटल गोल्ड्स को काफ़ी अच्छी तरीके से प्रमोट किया है, ये मार्केट में अवेलेबल है। और भी इन्वेस्टर फॉर्म्स हैं जैसे कुवेरा है, ग्रो है, इस और स्टॉक ब्रोकिंग फॉर्म्स हैं, वो स्टार्ट करते हैं। डिजिटल गोल्ड्स में जो सबसे बड़ी खूबी है वो ये है कि आप एक रुपये के इन्वेस्टमेंट से भी शुरू कर सकते हैं। और लोग गोल्ड का प्राइस ज़्यादा है, आप अगर कोई भी अमाउंट का गोल्ड परचेस करते हैं तो एक रुपये से तो नहीं होगा, बट ये कि आप किसी भी अमाउंट से कर सकते हैं। अब अगर आप गोल्ड डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसमें आपको बिल्कुल उसी तरीके से टैक्स पे करना होगा, 3% GST अप्लीकेबल है डिजिटल गोल्ड में। जैसे फिजिकल गोल्ड में ETF में, चूँकि अगर आप ETF गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर ये जो GST होगा ये इनपुट क्रेडिट के तौर पर आपको वापस मिल जाता है। और डिजिटल गोल्ड जो होल्डिंग चार्ज है, मतलब लाइक चूँकि ये तीन कंपनियों के थ्रू ही आपको करना होगा, बेसिकली ये कंपनी कस्टमर के बिहाफ पर उन गोल्ड्स को स्टोरेज करती हैं, उसको जब तक कस्टमर चाहता है उसको होल्ड करती हैं और फिर उसको सेल आउट करती हैं। तो इसकी कॉस्ट भी होती है, बेरिंग कॉस्ट, मतलब इसमें पर्टिकुलरली स्टोरेज कॉस्ट, इंश्योरेंस और ट्रस्टी कॉस्ट आती है, 2-3% के करीब होती है जाकर। और अगर जैसे आप ETF में होता तो वहाँ पे भी होल्ड होता है, बट अगेन वो उसकी होल्डिंग में आपको बेनिफिट मिलता है, चूँकि ये 3% वापस इनपुट कॉस्ट के थ्रू आपके फर्दर इन्वेस्ट हो जाता है, तो उसका अमाउंट एक तरीके से ज़्यादा पड़ता है। अगर होल्डिंग पीरियड नॉर्मली जैसे गवर्नमेंट कंपनी ने 5 साल तक आपको होल्ड करेगी, उसके बाद आपको डिलीवरी लेना होगा। डिलीवरी के बाद अगर आप डिलीवरी लेंगे तो उसमें एक मेकिंग चार्ज लगेगा, आप कॉइन बार या जिस फॉर्म में लेना चाहेंगे तो उसका भी आपको पे करना होगा। सोवरेनिटी बॉन्ड में 2.5% का आपको इंटरेस्ट बेनिफिट मिलता है, तो वो इसमें पॉसिबल नहीं होगा इसके केस में। तो ये डिजिटल गोल्ड एक अच्छा ऑफर था अभी करंट सिनेरियो में, जिसका हमने अभी डिस्कशन किया दोस्तों डिजिटल गोल्ड के ऊपर। अगर कोई भी सजेशन है फीडबैक करो उसमें, और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।